हालत देखो, पूरा स्नो, पूरा ही स्नो। पूरा ऊपर नीचे से सब कुछ, ये रहा पेट्रोल पंप, सब कुछ गीला है। पेट्रोल पंप खुला है कि नहीं, हालत देखो, गोप्रो देखो, खतरनाक। कल रात से बारिश और स्नोफॉल हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है ऊपर। ऊपर तो तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। हो रही है अपनी परी को वार्म अप करना पड़ेगा, और ये हो रही है स्नोफॉल। परी को स्टार्ट करते पहले परी का हाल देखो, ये देखो यहाँ पे पूरी स्नो पड़ी, पूरा स्नो। अब ये स्टार्ट होगी कि नहीं देखना पड़ेगा, वैसे हो तो जाएगी। हेलमेट पहनते और निकलते यार। अमेजिंग, ये देखो पूरा स्नो है, मेरे हाथ सुन पड़ गए। फर्स्ट पीस में स्टार्ट हो गया। अपनी परी पे मुझे पूरा भरोसा था, एक सेल में स्टार्ट हो गया। हमें मिलने हमारे दोस्त आ गए यहाँ पे, ये एक देखो उस बर्फ में खेल के आए हैं। ये बस 2 मिनट के लिए बाइक यहाँ पे खड़ी की थी, हालत देखो, पूरा स्नो, पूरा ही स्नो। टेम्परेचर -4 या 5 रहेगा। स्टार्ट हो गई, वार्म अप होने देते, ऑल सेट या थैंक यू। ये देखो सीट पे पूरा बर्फ। 5 मिनट के लिए सिर्फ गाड़ी, मतलब सामान रूम से यहाँ पे ला रहा था। ये देखो निकलते अभी यहाँ से, और हालत देखो क्या सही लग रहा है। इतना स्नो हो गया है, मिरर में भी कुछ नहीं दिख रहा है। ये रेन लाइनर बहुत बढ़िया लगा मुझे, इसका कलर बहुत सही है, मतलब दूर से ही कोई भी आदमी देख लेगा। धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अभी सांस फूल रही है। बाहर से छिलका डायरेक्ट रास्ते हो रहे, यहाँ पे क्या स्लिपरी है, कीचड़ है, इसलिए उसको यहाँ तक पैदल बुलाया अपन रास्ते में जाते, क्योंकि भैया हमें उड़ता हुआ तीर नहीं लेना है। देखो थोड़ा फिसल रहा था बाइक। गोप्रो का वाटरप्रूफिंग के लिए मुझे कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सेलो टेप लगाया उसको। रिस्क है तो इश्क है। इतना बढ़िया लग रहा है कि बता नहीं सकता मैं। मेरी लाइफ की फर्स्ट लाइव स्नोफॉल ही है, और उसमें मैं मेरी परी के ऊपर राइड कर रहा हूँ। ओह क्या फीलिंग है।
आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो ही गई। मतलब ऊपर वाला सबकी सुनता है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा, कभी ना कभी तो करेगा ही करेगा। वाइज़र हल्का सा बंद किया है मैंने, मतलब आधा आधा बंद किया, क्योंकि अगर पूरा ओपन करता हूँ तो सीधा आँख में लग रही स्नो। गोप्रो के ऊपर मैंने प्लास्टिक की बैग डाल दिए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वो देखो सामने BMW जा रही, पूरा स्नो है उसके ऊपर। कितना अमेजिंग लग रहा है यार, ये देखो व्यू देखो आप खाली, बस ये जो पेड़ है ना उसके ऊपर बर्फ़ गिरती ना, पूरे पेड़ ग्रीन के वाइट हो जाते हैं, आहा क्या दिखता है। देखो कार के ऊपर देखो पूरा स्नो, अभी यहाँ पे कम हो गई क्योंकि अपन अभी पहाड़ से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे, वहाँ पे कसोल साइड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा और मोटी मोटी बर्फ थी, यहाँ पे तो बहुत कम है। मेरे हेलमेट के ऊपर वाइजर के ऊपर पूरा बर्फ़ जमा पड़ा है, और ये हमने सोलंग वैली जाने के लिए ग्लव्स लिए थे, कुछ नहीं वाटरप्रूफ के नाम पे बस लूटते वो लोग, 100 रुपये लिया था पर अंदर पूरा पानी जा रहा है। अभी राइडिंग ग्लव्स तो पहन नहीं सकते क्योंकि लेदर के, इसलिए यही पहन लिया, ठीक है अभी क्या कर सकते, हाथ तो पूरे वैसे सुन पड़ गए, अभी क्या करेंगे, इसके अंदर से कोई प्लास्टिक का थैली पहनेंगे, नहीं तो लोकर वाले ग्लव्स है उसके ऊपर थैली, फिर ये ऐसा पहनना पड़ेगा। भैया हम हैं इंडियन और हम हर एक चीज़ का जुगाड़ ढूंढ लेते, तो अपने पास इसका जुगाड़ है। ये क्या है, डाइवर्जन, ओके जी हम यहाँ से जाएंगे, वो भी धीरे धीरे। ये प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ये सब इतनी सब गाड़ियाँ आ रही ना तो गाड़ियों के टायर को कीचड़ लगा रहता है, और ये जो रास्ते पे बर्फ़ पड़ा है और वो कीचड़ मिक्स हो जाता है तो समझ में नहीं आता कहाँ पे बर्फ़ है और कहाँ पे मतलब रास्ता है सही। अभी एक दो बार ऐसा हुआ कि गाड़ी मेरी मतलब बाइक जो है वो फिसल रही थी, इतनी भी नहीं पर मेरे को ऐसा समझ रहा था बाइक चलाने के टाइम पे कि हाँ यहाँ पे बर्फ़ है ऐसे नीचे, उसके ऊपर से जाने के बाद पता चलता था, पर थैंक गॉड मेरे टायर अच्छे और वो ऑफ रोड प्लस रोड मतलब बहुत टायर है, 2-in-1 टायर है, ऑफ रोड में भी चला सकते हो और इसके वजह से वो ग्रिप काफ़ी अच्छा पकड़ रहा है। लोग खाली पुकट नहीं आते यहाँ पे, मतलब है यहाँ पे वैसी वाइब्स है, इसलिए एक एक दो दो साल को साल की बुकिंग करवा के लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अभी हम जिस होटल में ठहरे थे वहाँ पे भी वो लोग थे, मतलब ग्रुप था उनका पूरा ग्रुप आया था, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे वो, मतलब एंजॉय कर रहे यार वो लोग, काम के साथ साथ नेचर एंजॉय कर रहे, स्नो एंजॉय कर रहे, और क्या चाहिए यार लाइफ में, नहीं तो वही अपनी शहर वाली ज़िंदगी, भीड़ भाड़ वाली, ट्रैफिक वाली। गाइज एक बार सामने का नज़ारा देखो, मैंने GoPro ऑफ करके रख दिया था ये पिन्नी में, बट ये आपको नज़ारा देखने के लिए मैंने फिर से GoPro ऑन किया है। कितना सही लग रहा है वो ब्रिज पे से गाड़ी जा रही है और वो रास्ता, आई थिंक अपने को वहाँ से ही जाना है ना, हाँ अपन को वहाँ से ही जाना है, और वो सामने वाला पहाड़ देखो, वो बादल पूरे पहाड़ के ऊपर आए और ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, ओहो हो हो, यहाँ पे भी देखो। GoPro में इतना अच्छा नहीं दिखेगा बट अभी मोबाइल नहीं निकाल सकता। गाड़ी आ रही है अपनी, गाड़ी रास्ते के साइड पे, पर चलते यहाँ से फटाफट। गाड़ी की हालत देखो, अभी तक इंजन में से धुआं निकल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अभी भी उधर बर्फ है, हाथ मेरे देखो पूरे सुन्न हो गए, यहाँ पे थोड़ी आग मिली, यहाँ पे सेक रहे। हाथ इतने सुन पड़ गए थे ना, यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे, हाथ देखो अभी थोड़ा हाथ सेक रहे। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है चाय पीने के बाद, तो हाथ पूरे सुन पड़ गए थे पूरे।
गाइस नजारा देखो, ऊपर इतनी बर्फ पड़ रही, यहाँ के उस पहाड़ के उस पार मलाना है, जाना था बट जा नहीं सकते, रास्ता पूरा स्नो से ब्लॉक हो गया, 4x4 भी नहीं जा सकती। तो देखो जितना सही लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना, मन तो कर रहा है वहाँ पे जाने का बट नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। चलो चाय ब्रेक हो गया, गर्मी लेनी थी, थोड़ा सेक लिया हाथ, अभी निकलते यहाँ से फटाफट। अभी मैंने राइडिंग ग्लव्स पहन लिया, वो तो नकली ग्लव्स थे, वाटरप्रूफ के नाम पे ऐसे ही चिपकाए थे उन्होंने सोलंग वैली वालों ने, तो वो निकाल दिए। अभी मैंने जुगाड़ ये किया है, इसके अंदर से वो लोकर वाले ग्लव्स रहते ठंडी वाले वो पहने, और वैसे भी मेरा राइडिंग ग्लव्स थोड़ा सा बड़ा है, मतलब मुझे प्रॉपर तो फिट आ रहा है बट यहाँ का ये थोड़ा ज़्यादा बच रहा था, तो मैंने इसके अंदर से वो लोकर वाले ग्लव्स पहने, अभी तो परफेक्ट है, मतलब अभी ठंड भी नहीं लग रही है। देखते अगर अंदर पानी जाएगा तो अंदर वाले ग्लव्स गीले हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर से तो जा रहा था, मेरे ख्याल से मुझे लगता तो नहीं इसके अंदर से पानी जाएगा, बट देखते अगर गया तो कुछ नहीं कर सकते, बट अभी पहले से तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि अभी दिक्कत वही है, प्रॉब्लम वही है, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे भी ठंडी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा है, बस इशू हो रहा था हाथों का, हाथ पूरे ऐसे सुन पड़ गए थे, मतलब काम ही नहीं कर रहे थे, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तो अभी एटलीस्ट पहले से तो बहुत बेटर है, तो अभी अपन राइड कर सकते हैं आराम से। अभी स्नोफॉल भी बंद हो गया है, हल्की हल्की बारिश चल रही, और जहाँ पे हम जा रहे हैं नगर में वहाँ पे वेदर फॉरकास्ट दिखा रहा है कि स्नो वहाँ पे अभी भी चल रहा है, तो देख रास्ते पे स्नो ना रहे क्योंकि बाइक फिसलने का डर रहता है उसके वजह से। एक तो मेरी बाइक भी फुल लोडेड है, इतनी हेवी ना, तो उसके वजह से और थोड़ा डर लगता है। सेकेंड चाय ब्रेक, देखो जूते के अंदर थैली पहनने के बाद भी टॉप पूरा गीला हो गया, पता नहीं पानी कहाँ से घुस रहा है जूते के अंदर। वहाँ पे आ गए अपने मटन मोमोज, नेहा का तो बहुत बुरा हाल है, उसने रेन लाइनर तो पहना है बट नीचे वाला पैंट नहीं था, हम घर पे बुलाए उसके वजह से यहाँ से उसका पैंट पूरा गीला है, तो देखो धुआं निकल रहा है जैसे दुकान के पास, बट अभी थोड़ा ही बचा है ठीक। प्रॉब्लम बस इतना ही, हाथ और पैर ठंडे बढ़ते, बाकी लेयर्स पे ना इसलिए ऊपर इतना ज़्यादा ये नहीं लग रहा, ठंडी नहीं लग रहा। थर्ड ब्रेक, हाथ पूरे सुन, यहाँ पे हालत देखो,
भाई हालत देखो, पूरा बर्फ। चल बहुत रिस्क है, फिर भी मैंने गोप्रो ऑन किया है। ये देखो 2 मिनट बाइक क्या खड़ी की, पूरा बर्फ। बस बस बाइक में पेट्रोल भी कम है, पेट्रोल फिल करवाते पहले। यहाँ पे 2 मिनट में ही, यहाँ पे पास में ही पेट्रोल पंप है। पूरा ऊपर नीचे से सब कुछ, ये रहा पेट्रोल पंप, सब कुछ गीला है। पेट्रोल पंप खुला है कि नहीं? चालू। अरे ये तो ओपन है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे तो नहीं रुक रहे क्योंकि ये ओपन में था। ऊपर कुछ छत भी इतने लगा है, और अगर इसमें ग्लव्स खोल के खड़े रहेंगे तो गीले तो हो ही जाएंगे, सामान भी गीला होगा। ये टैंक बैग निकालो। अभी आगे बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर बाद और एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे देखते हैं। स्नो काफी बढ़ गई है, मजा आ रहा है पर फटरी भी उतनी है। कुछ दिख ही नहीं रहा है गाइस। मैं आँख खोल के चला ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे आँख खोल रहा हूँ, एक तो हल्की हल्की बर्फ है, वो सीधा आँख में जा रही है। साइड पे देखो कितना बर्फ गिरा है। ये तो अच्छी बात है कि ये बर्फ पानी वाली बर्फ है, मतलब जैसे जमीन पे टच करती है तो पानी बन जाता है, इसलिए रास्ते पे इतना बर्फ नहीं है। मेरे ख्याल से अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, गोप्रो बंद ही कर देते अपन, काम करते रुक के ना, ये बंद ही कर देते गोप्रो, रिस्क नहीं चाहिए हमें। जैसे तैसे करके पहुंच ही गए। यहाँ पे बर्फ देखो कवर, बाइक उधर ही पार्क कर दिए। हालत देखो, गोप्रो देखो, खतरनाक हालत है। मेरा आज अपना छोटा सा क्यूट सा रूम।